बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दहशतगर्दी सिर्फ वही नहीं, एक धमाका हो गया, खुद का शमला हो गया, फायरिंग हो गई, लोग मर गए, लाशें पड़े, बच्चे जिबा हो गए, ये तो हम देखते ही रहे पाकिस्तान में। और मेरे भाई दहशतगर्दी ये भी है कि एक मरीज है उसको लेकर जाते हैं प्राइवेट अस्पताल, करोड़पति फैमिली है, कहते हैं जी आपके मरीज को तो कैंसर की फर्स्ट स्टेज है, 50 लाख जमा करा दें, फिर कहते हैं 2 लाख, 50 लाख क्या बोलते हैं, 2 करोड़ जमा करा दो, 4 जमा करा दो, 10 करोड़ रुपए उस मरीज से ले लिए। और अब क्या बोलना चाहिए था कि आपका मरीज ठीक हो गया, 10 करोड़ लेने के बाद प्राइवेट अस्पताल ने आपसे क्या बोला कि आखिरी स्टेज पे लेकर जाए, और जब लाए थे कौन सी स्टेज थी, फर्स्ट स्टेज थी, पहली स्टेज थी। क्या क्या बिका, फैक्ट्री बिक गई, फ्लैट बिक गए, जो छोटा मोटा कारोबार था वो भी, अब उनके पास दवाई तक पैसे नहीं। आप मेरे पास उनकी दवाई के पैसे लेने आए, ऐसे ही है। सिर्फ इस वीडियो को गुमराहों तक पहुंचा दो, इसीलिए मैं कहता था, मैं पहले कहता था 2 साल पहले कि यहां लैब के नाम पे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। चंद रुपए का टेस्ट लाखों रुपए में कर रहे हैं, हजारों रुपए में कर रहे हैं। मैंने फ्री लैब खोल दिया कराची में, मैंने सिंध गवर्नमेंट को लेटर दे दिया, अगर इन्होंने ओके कर दिया पूरे सिंध में खून के टेस्ट फ्री होंगे। मैं कैंसर का अस्पताल अली शेखानी के साथ मिलकर शमीम शेखानी कैंसर फ्री अस्पताल बनाने जा रहा हूं, अगर उसमें भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, खुदा की कसम पूरे सिंध में लोगों के मुफ्त कैंसर के इलाज होंगे। ये तो अमीर थे, 10 करोड़ दे दिया मिडिल क्लास की, तो आवाम जो है गरीब, उनकी तो कुल असासा एक किराए का घर होता है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करने, हुकुमरानों तक पहुंचे किस तरह हमारे लोगों को काटा जा रहा है इलाज के नाम पर।